Assalamu alaikum to everyone. How are you? Hope all of you will be fine. So today we have lecture number 10 and it's about inference and hyperbole. These two are very important topics which need to be studied. What is inference and what is hyperbole? We must know about these both. So today I will tell you about inference and hyperbole. Remember, we have learned many things in semantics, and all these things deal with meanings. If we don't know about this thing, it will be difficult for us to understand meanings of sentences. Even it becomes difficult, or it can become difficult for us to understand real text. So if you want to enjoy literature, if you want to enjoy language, we must know about semantics in detail. And that is why I asked you yesterday to attend class, the remaining classes, so that you can understand things in a better way. Can you hear my voice clearly? क्या आप सब लोगों को मेरी आवाज? Yes, sir. Okay. So let's start. अगर किसी का कोई problem हो तो मुझसे पूछ सकता है. The benefit of online session is that you can ask questions. और रिकॉर्डिंग सेशन में ये बेनिफिट नहीं होता. सो लेट्स स्टार्ट. इन्फ्रेंस, व्हाट इज इन्फ्रेंस? सो इन्फ्रेंस एक्चुअली इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड बाय द लिसनर टू क्रिएट अ कनेक्शन बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट मस्ट बी मेंट. और यू कैन से अ सक्सेसफुल एक्ट ऑफ रेफरेंस डिपेंड्स मोर ऑन द लिसनर्स एबिलिटी टू रिकग्नाइज वट वी मीन देन ऑन द लिसनर्स डिक्शनरी नॉलेज. आप किसी से कुछ कह रहे हैं तो रेफरेंस, किसी किसी को कुछ दे रहे हैं तो ये उसके समझने पर भी इन्हेसार करता है कि वो क्या समझ रहा है. इफ़ यू से समथिंग दैट ही डज नॉट अंडरस्टैंड, इट मीन्स इट इज रॉन्ग. इट इज नॉट, यू आर नॉट रेफरिंग टू एनीथिंग एल्स. आप किसी चीज़ की तरफ रेफर नहीं कर रहे, या आप किसी ऐसी चीज की तरफ रेफर करें जिसका उसको उसको नहीं मालूम. यू आर लिसनर, रिमेंबर यू आर स्पीकर एंड द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज अ लिसनर. नाउ हियर यू कैन सी वन एग्जांपल. इन अ रेस्टोरेंट वन वेटर कैन आस्क अनदर. रेस्टोरेंट है समझ ले, वहां पे एक वेटर दूसरे वेटर से कहता है, वेयर इज, हम अपने कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है. मैं अपने कॉन्टेक्स्ट की एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ कि हम लोग नॉर्मली किसी के हमने मुख्तलिफ नाम रख लिए होते हैं, तो हमने कहा यार वो जैसे हमने कहा क्या कहते हैं वेरी इनफॉर्मल वे में, यार वो पकौड़ा नहीं आया. हमने किसी शख्स को पकौड़े से वो का नाम दे दिया, वेयर इज द पकौड़ा सिटिंग. तो जवाब आया, ही सिटिंग बाय द डोर. या कोई और नाम आपने दे दिया, वेयर इज दैट स्टूपिड सिटिंग, या वेयर इज दैट, कोई भी आपने नाम दे दिया सिटिंग, तो उसने जवाब दिया ही सिटिंग बाय द डोर. Now the listener and the listener has understood what you are talking about. Yani ki listener jisse aap baat kar rahe hain usko samajh mein aa gayi ki aap kiske bare mein baat kar rahe hain. Ya linguistic aap study kar rahe ho, isme aapne kaha can I look at your Shakespeare? Kya main aapke Shakespeare ko dekh sakta hu? To aapne jawab diya yes it is on the shelf over there. Ab Shakespeare se murad ye nahi ki wo Shakespeare jo aaj se 5-550 saal pehle मर चुका है, हम उसकी बात कर रहे हैं. शेक्सपियर की कोई कोई ड्रामा, ठीक है. शेक्सपियर से मुराद उसका कोई ड्रामा, उस ड्रामे की किताब जो है उस वो से मुराद है. तो आप कहेंगे कि कैन आई लुक एट योर शेक्सपियर, इट मीन्स कैन आई लुक एट योर बुक ऑफ शेक्सपियर ड्रामा. तो जवाब आया यस इट्स ऑन द शेल्फ ओवर देयर. सो लिसनर हैज अंडरस्टूड व्हाट यू मीन. जो आपने कहा लिसनर उसको समझ गया, ठीक है. सो दिस इज what we call inference. The above mentioned examples make it clear that we can use names associated with things. Hum log namo ko istemal kar sakte hain associated with things, jaise yahan pe word istemal kiya pakoda, theek hai. Aur ab ye we can associate it names with things like you can use in our context. Or to refer to people, and we can use names of people to refer to things. So, हम किसी चीज का नाम
इस्तेमाल कर सकते हैं किसी शख्स के लिए, और हम किसी शख्स का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। आर यू गेटिंग मी? सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। सो इन्फ्रेंस मीन्स यू आर रेफरिंग टू समथिंग विच योर लिस्टनर नोज, जो आपके लिस्टनर को पता हो, सकता है किसी दूसरों को ना पता हो, बट योर लिस्टनर नोज अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग और दैट पर्टिकुलर पर्सन बाय दैट पर्टिकुलर नेम, राइट? जैसे हम लोग बहुत से लोगों का नाम रख देते हैं अजीब अजीब से, जो नहीं रखने चाहिए, गलत है, ठीक है? जैसे ये भी एक गलत चीज है, लेकिन लोग रख लेते हैं। ऐसा कुछ जगहों का नाम रख लेते हैं, ऐसा सा कुछ गलियों का नाम रख लेते हैं, ऐसा सा कुछ चलाकों का नाम रख लेते हैं, तो कुछ खिलाड़ियों कुछ लोगों के नाम रख लेते हैं, तो उससे हम इन्फर कर रहे होते हैं, उससे क्या कर रहे होते हैं, उसको रेफर कर रहे होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इन्फ्रेंस। नाउ एग्जांपल, लेट मी नाउ गो टू द हैंड आउट जो आपको मैं भिजवाऊंगा और आपके पास है भी। कैन यू सी द हैंड आउट? Yes, sir. Now, we can see inference is a process of drawing a conclusion from supporting evidence. It is when you go beyond the evidence and reach some further conclusion. We draw inferences all the time when we say things like this. मैंने आपको पहले भी कहा था और गालिबन अभी भी आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो सेमेंटिक्स है, लिंग्विस्टिक जो है, इट इज डेफिनेटली अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंग्लिश ऑफ एनी लैंग्वेज, नॉट इंग्लिश लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी लैंग्वेज। सिंस यू आर स्टडिंग इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, इट डील्स विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश, यू नो, थिंग्स विच आर रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो इन लिंग्विस्टिक यू विल फाइंड वन thing that is called semantics, that deals with meaning. Linguistics to both is a huge field. It's like in ocean, you'll find many branches of linguistics, like phonology deals with sound, morphology deals with vocabulary, word building, isi tarah se phonetics deals with how to pronounce, you know, how to produce sounds. Fir aapke paas hai kya kehte hain usse, social linguistics, social background usme discuss kiya jata hai, L1 L2 ka, par psycholinguistics jisme from psychological point of view discuss kiya jata hai. Similarly, you'll find many other things. One of them is semantics, that deals with meaning, with how meanings are affected or what are hidden meanings and how can we understand those meanings, what are the secondary meanings. Normally we know about the primary meaning or we know about the first meaning, but many people are unaware of the second meaning or hidden meanings. Bahut se logon ko second meaning ya hidden meanings ka pata nahi hota, ya uske indirect meanings ka pata nahi hota. That is very important. So this is what we learn from semantics and the things which I have taught you, the things which I taught you in the past, those all are very important from this point of view. So this will also help you in understanding your text. Jo aap text padh rahe hain literature mein, this will also help you and it will help you in your real life. Whatever you read, whatever you speak, it will help you. Semantics will help you in your real life. Now you can see, I do not see, these are real life examples. I do not see David. He said he was tired. Ab ye sab kya aapko samajh mein aa raha hai? Ye dekhiye, ye samajh mein aa raha hai. किसी ने कहा कि आई डू नॉट सी डेविड, ही सेड ही वाज टायर्ड, तो समझ में आया कि ही मस्ट हैव गॉन होम टू बेड। कोई अगर आपसे कहता है यार मुझे डेविड नजर नहीं आया, उसने कहा कि वो थक गया था, ठीक है, तो इसका मतलब है वो लाजमी घर गया होगा। आपने इन्फ्रेंस क्या निकाला कि वो लाजमी घर गया होगा और फिर बिस्तर पे वो आराम कर रहा होगा, यानी कि वो घर जाकर आराम कर रहा होगा। ये हमने उससे इन्फ्रेंस निकाला क्योंकि डेविड ने कहा था कि वो थक गया है। अब सारे पता जो थक जाता है तो वो आराम को तरजीह देते हैं ना, ऐसा तो नहीं थकने के बाद वो मजीद काम करेगा, फिर थकने के बाद वो दो भाग दौड़ करेगा। तो थकने के बाद इंसान की तरजीह होती है, क्या होती है, ही और शी वांट्स टू रेस्ट। सिमिलर देयर इज अनदर एग्जांपल, नोमान हैज बीन एट द जिम अ लॉट, ही मस्ट बी। अब कोई शख्स कह रहा है यार आजकल तो नोमान क्या जिम में, कहा है जिम में, वेयर इज ही नाउडेज, ही इज एट जिम। Now, what things comes to your mind? अगर कोई आपसे कहता है कि आपका कोई दोस्त है और वो आजकल जिम बहुत जा रहा है, ठीक है, so what things will come to your mind? आप क्या सोचेंगे? क्या ये आपके पास एक चीज, यानी कि आपके पास एक क्या कहेंगे हम,
एविडेंस आपके पास आया जिससे आपने क्या निकालना है, इन्फ्रेंस निकालना है आपने, किससे क्या चीज आपको समझ में आ रही है। डेफिनेटली यू विल थिंक दैट ही मस्ट बी ट्राइंग टू लूज हिज वेट, वो अपना वेट लूज करना चाह रहा होगा, और ही मस्ट बी ट्राइंग टू बिल्ड अप हिज बॉडी। दो तीन चीजें इन्फर्म कर सकते हैं, वी कैन हैव इन्फर टू थ्री थिंग्स, एंड इफ वी हैव फर्दर कॉन्टेक्स्ट और मजीद कॉन्टेक्स्ट हमारे पास अगर होगा, देन वी कैन हैव बेटर इन्फ्रेंस, हम उससे ज्यादातर बेहतर तरीके से हम इससे जो नतीजा अखज कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वी कैन ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और फ्रॉम सम कॉन्टेक्चुअल सेंटेंस। तो अगर आपको पता, नौमान जो है बॉडी बिल्डिंग का इतना शौकीन नहीं है, लेकिन वो क्या है कि वेट बहुत उसका बढ़ चुका है, तो नौमान इज बीन गोइंग एट द जिम अलॉट, इट मीन्स हमने उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया, दैट ही मस्ट बी ट्राइंग टू लूज हिज वेट, वो अपने वेट को लूज करना करने की कोशिश कर रहा होगा। तो ये नुमान ने नहीं कहा कि वो वेट लूज करना चाह रहा है, बल्कि हमने इन्फर किया, हमने अपना इन्फ्रेंस निकाला, अपने कंक्लूजन ड्रॉ किया फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस दैट ही मस्ट बी ट्राइंग टू लूज हिज वेट। फिर थर्ड है, टोनी इज अ डॉग, टोनी एक डॉग का नाम रख दिया, ठीक है, तो टोनी इज अ डॉग एंड ऑल डॉग्स लव बेली रब्स। अब कह रहे हैं कि टॉनी जो है वो एक डॉग है, और सारे डॉग जो है, जो नॉर्मली डॉग्स होते हैं, वो क्या पसंद करते हैं, बेली रब्स, बेली रब्स को जो है वो पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है टॉनी भी पसंद करेगा ना भाई, टॉनी कोई अलग से थोड़ी है डॉग, वो भी आम डॉग्स की तरह है। तो इसका मतलब ये कि टॉनी भी बेली रब्स को पसंद करेगा। तो ये कॉमन सा इन्फ्रेंस है जो हमने निकाल दिया कि टॉनी ऑल्सो रब्स बेली इन्फ्रेंस, हाँ बेली रब्स। तो पता ये चला कि विद द हेल्प ऑफ इन्फ्रेंस वी कैन डू व्हाट, वी कैन ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम सपोर्टिंग एविडेंस। जो भी आपके पास एविडेंस होता है, जो भी आपके पास जुमला वगैरह से एविडेंस है, तो हम क्या करते हैं, उससे ड्रॉ करते हैं कंक्लूजन कि उससे क्या नतीजा निकला जा सकता है, एंड वी कैन गो बियॉन्ड द एविडेंस एंड रीच सम फर्दर कंक्लूजन। वी ड्रॉ इन्फ्रेंसेस ऑल द टाइम, ये तकरीबन हर जगह, हर वक्त, हर कॉन्टेक्स्ट में हम निकाल सकते हैं। This sort of inference is the basic building block of all arguments. ये तकरीबन तमाम arguments का एक basic building block है, and we also make inferences when we read literature. As I told you, when you read literature, so you can make inferences. I don't know whether you know about reading skills or not. अगर आपको reading skills का मैं आपने कुछ पढ़ा होगा, so you must know about this, that reading skills inference plays a very important role, because there are many occasions when we need to have prior knowledge, we need to have background knowledge, we need to have advanced knowledge. I mean, if we have background knowledge, then it becomes easy for us to understand the text. If we don't have background knowledge, if we don't have prior knowledge, then it becomes difficult for us to understand the text. So we also make inferences when we read literature. The author gives us clues about what is going on, and we have to figure things out based on that evidence. The author aapko kuch clues dega aur fir usse kisse aapne kya hai inference nikalna hota, drive karna hota. The author means the readers infer. अब इसमें readers जो है वो infer करते हैं, यानी आप पढ़ रहे हैं ना, तो inference आप करेंगे, आपको कुछ clues और author ने दिए, जैसे आप कोई novel पढ़ रहे हैं, उस novel के अंदर आपको कुछ clues मिलेंगे, और उनसे आपने क्या करना होगा, infer करना होगा कि ये चीज़ हो सकता है या ये चीज़ होगा या like this. Inferences can be good. Inferences के बारे में they can be good or bad depending on how logical they are. Inferences सही भी हो सकते हैं और बैड भी हो सकते हैं, गुड भी हो सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ लॉजिकल दे आर। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल हियर इज प्रीटी गुड, पहला एग्जाम्पल जो है वो आपको देखिएगा बहुत अच्छा है, द थर्ड इज वेरी गुड एंड द सेकेंड वन इज एक्चुअली बैड। फॉर एग्जाम्पल हियर, ये आपके पास एक एग्जाम्पल है, ये एक मैंने कहीं से आर्टिकल लिया था, मैं उसी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग है ये। यू आर अबाउट टू एंटर अ रूम, ये आप जरा देखिएगा से, You are about to enter a classroom. आप किसी क्लासरूम में एंटर होने वाले, ठीक है भाई। It is 8:57 और टाइम क्या हो रहा है, 8:57 का। And there is lots of chatter coming from inside the room. और कमरे के अंदर से बहुत बातों की आवाजें आ रही है। तो अब आप क्या इन्फर करते हैं, What do you infer? आपको क्या समझ में आएगा? Yes. मैं आपसे सवाल, आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, Those who are listening to me, What do you infer? क्या चीज आपको समझ में आ रही है? Yes, come on, participate please. आप एक क्लास में, for example, you as a teacher about to enter a classroom where you अभी आप दाखिल नहीं हुए, बाहर ही है दरवाजे पर ही, और आपको आवाज आती है बहुत ज्यादा शोर शराबे की, ठीक है। तो आप क्या उससे मतलब ये कि
आपको समझ आ रहा है कि क्या हो सकता है, और वो टाइम जो है समझ लो 9:57 का हो रहा है, 8:57 को छोड़ दो 9:57 का हो रहा है, ठीक है, 10:03 बाकी है। सो व्हाट डू यू इन्फर? क्या चीज आपकी समझ में आ रही है इससे? क्या ये तो आपके पास एक सपोर्टिंग एविडेंस है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? यस प्लीज, कोशिश करें, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह इससे अच्छा हो जाएगा, और अगर सिर्फ मैं बोलता रहूंगा तो आपको सोचने पर। सर ये हो सकता है कि उससे हम ये, यस वेरी गुड, यस आई अप्रिशिएट सर, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में आ चुके और वहां पर क्लास में स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है उनके पास, इसीलिए वो शोर कर रहे हैं। शोर करें ना, क्योंकि अगर क्लास की छुट्टी हो चुकी होती तो फिर क्या होता कि उसमें क्लास से स्टूडेंट बाहर भी आ रहे होते, और तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और अगर क्लास में भी बहुत सारा बहुत वक्त बाकी है तो उस सूरत में इतना शोर नहीं होता। तो ये कॉन्टेक्चुअल एक्चुअली इन्फ्रेंस यानी कि अकॉर्डिंग टू द इन मोस्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट वी हैव दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन वी हैव और व्हेन द क्लास इज अबाउट टू स्टार्ट और व्हेन द क्लास हैज जस्ट फिनिश्ड, या तो क्लास एकदम फिनिश हुई होगी या तो क्लास अभी स्टार्ट होने वाली होगी। इन दिस बोथ कॉन्टेक्स्ट व्हाट हैपेंस इन नॉर्मली स्कूल्स वी हैव प्लेंटी ऑफ नॉइज, वेरी गुड। तो जी आपका इन्फ्रेंस है, तो आपने कहा यू आर अबाउट, तो इसमें कहा कि यू आर अबाउट टू एंटर अ क्लासरूम, सो इट्स एट 57 एंड देयर इज लॉट ऑफ चैटर कमिंग फ्रॉम इनसाइड द रूम, सो यू इन्फर दैट देयर इज अ 9 क्लास दैट हैजंट स्टार्टेड येट। तो आपने क्या इन्फर किया कि यहाँ पर आपके जो जहन में चीज आई वो ये आई इन दिस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके कि 9 बजे की क्लास है जो अभी स्टार्ट नहीं हुई, और ये भी आ सकता है कि क्लास 8 बजे वाली अभी खत्म हुई, लेकिन जब चैटर की आवाज आ रही है, चैटर का मतलब स्टूडेंट बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, तो ज्यादातर चांसेस इसके हैं कि स्टूडेंट बैठे हुए, इट मींस दे आर वेटिंग फॉर देयर अनदर क्लास। अगर छुट्टी हो चुकी होती तो उनमें कोई ना कोई उठता बैठता और स्टूडेंट का बाहर आना जाना लगा रहता, तो वो इन्फ्रेंस था कि द क्लास हैज जस्ट फिनिश एंड मे बी देयर इज नो अदर क्लास, सो दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर, और अभी फौरन से कोई क्लास नहीं होगी, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड आउट एंड गोइंग लाइक दिस। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव बेसिक एविडेंस द टाइम एंड द नॉइज, जो हमारे पास बेसिक एविडेंस है वो क्या है, टाइम और नॉइज है, ये दोनों हमारे पास जो है बेसिक एविडेंस है, एंड वी कैन इन्फर दैट क्लास हैज नॉट स्टार्टेड येट, जो आपको मैंने बताया। वी कांट बी श्योर, वी कैन नॉट बी श्योर, हम इस पे बिल्कुल श्योरिटी हमारे पास नहीं है दैट द इन्फ्रेंस इज करेक्ट। याद रखिएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि वो चीज़ें हमारे पास श्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल एक्यूरेट यू कैन नॉट से दैट द थिंग इज एक्यूरेट, द थिंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट 100%। ये इन्फ्रेंस होता है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से योर क्या कहेंगे सम कॉन्टेक्चुअल नॉलेज, या आप कह सकते हैं जजमेंट हो सकती है, ठीक है, सो वी कैन नॉट बी श्योर दैट द इन्फ्रेंस इज करेक्ट, बट इट इज रीजनेबल टू रीच दिस कंक्लूजन एनी वे। तो हम एक कंक्लूजन डिराइव करते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट 100% करेक्ट, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन हमने जो मैक्सिमम समझा सिचुएशन से वो ये समझा है। एग्जाम्पल नंबर टू, जॉन इज अ मैन, जॉन कोई भी शख्स ले ले, जॉन, टॉम, जावेद, काशिफ, कमाल, संजय, कोई भी ले लें आप, ही इज अ मैन एंड ऑल मैन आर मोर्टल। किसी ने कहा, हम नॉर्मली कहते हैं यार जावेद इंसान है भाई और सब इंसान जो है वो गलती करते हैं, किसी ने जावेद ने गलती कर दी तो लोगों ने उस पर बहुत ज्यादा, जावेद से मुराद कोई भी शख्स तो गलती करती, लोगों ने उसके घर वालों ने या उसके दोस्तों ने या उसके जान पहचान वालों ने बहुत ज्यादा शोर शराबा शुरू कर दिया। तो किसी ने कहा भाई वो इंसान है यार और इंसान गलती करता है, ठीक है, इसका मतलब है जावेद भी गलती करेगा, ऐसा नहीं है कि यार जावेद ने कर दिया तुमने जो है बड़ा क्या कहते हैं शोर शराबा शुरू कर दिया, जावेद सब इंसान गलती करते, तो जावेद भी एक इंसान है गलती करता है, तो जॉन इज अ मैन एंड ऑल मैन आर मोर्टल, सो देयरफॉर वी कैन इन्फर दैट जॉन इज आल्सो मोर्टल। सो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल कंप्लीट फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंस, ये एक लॉजिकल इन्फ्रेंस है, लॉजिकल मतलब इस पर लॉजिक है, और वो लॉजिक ये कि जॉन भी मैं इंसान है और इंसान फानी है, ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट लॉजिकल कंप्लीट फॉर्म ऑफ इन्फ्रेंस। And unlike example one, we actually can be sure that this time. Example one के मुकाबले में हम यहाँ पे कम श्योर है, हमें यहाँ पे पूरा हम बिल्कुल यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि 100% we are sure. If the evidence is correct, then we can be quite certain that John is
मॉडर्न. तो पहले वाले के मुकाबले में ये जो है ज्यादा आपको करेक्ट मिलेगा. एंड हियर वी आर मोर, हियर वी आर वेरी मच श्योर. इन द फर्स्ट एग्जाम्पल वी वर अ लिटिल अनश्योर एज वेल. देन यू कैन सी देयर इज अनदर एग्जाम्पल. Kashyap's face turned red and he started to yell, balling his hands up into shaking fits. Now this is a kind of you can say expression and movement that we normally see when a person is very angry. Yani ke bahut se log hote hain izhar nahi karte, they do not express their you know anger, but what do they do? Their face turns white and they start you know punching in the ear with their fist, or they do some kind of movements, and those things you know can easily indicate that they are very angry or they are not happy at all or they are very upset. ठीक है, तो वो लफ्जों से इसका इजहार नहीं करेंगे बल्कि वो इस तरह की हरकत करेंगे, मूवमेंट करेंगे, एक जेस्चर, उनके जेस्चर से पता चलता है. सो इट इज नॉट टू हार्ड टू इन्फर व्हाट काशिप्स फीलिंग, व्हाट काशिप्स फीलिंग हियर. ये जो है काशिप क्या फील कर रहा है ये इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. फ्रॉम द एविडेंस ऑफ हिज फेस वॉइस एंड हैंड्स वी इन्फर और वी डिराइव अ कंक्लूजन दैट ही इज रियली एंग्री अबाउट समथिंग, दो वी डू नॉट येट नो व्हाट इट इज. हमें नहीं पता वो क्या चीज है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से हैं, बट थ्रू दीज थिंग्स वी कैन डिराइव अ कंक्लूजन दैट ही इज वेरी एंग्री. सो यू कैन सी यू नो विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट्स, if even if a person is not speaking, kyunki maine aapse pehle bhi ek dafa kaha tha ki there are two types you know way of communication, verbal and non verbal, and you will find communication with gesture as well. So not only do we speak through our words but we also speak through our movements as well. To hum apne movements ke through bhi hum bolte hain, theek hai, our expressions, our gestures, our movements, our hand movements, all these things also speak. Now, what is the importance of inference? Inference जो है उसकी अहमियत क्या है? This is again a very important thing to remember. What is the importance of inference? Many people may think about कि भाई ये inference आपको पता तो चल गया. Now, what is its importance? तो आप लोग के ख्याल में क्या हो सकता है इसकी importance? Without looking what I am mentioning here, what do you think? आप क्या इसको समझते हैं? यस, कैन एनीवन टेल मी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अप टिल नाउ व्हाट एवर आई हैव टोल्ड यू? सो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम इट? Okay, so as I told you that inference is something that we have everywhere, whether we are in everyday life or we are talking about our study, or we are studying literature, or we are reading any books. Even if you read newspapers, so you also have inferences. Without inferences there is no way we could understand our world. Aap apni duniya ko samajh nahi sakte jab tak aap inference nahi karenge, because it is all well and good to ask for evidence and proof. But sooner or later we inevitably means unavoidably we have to go beyond the evidence and actually draw a conclusion. Aap misal ke taur pe kisi ilake pe jaate hain, wahan pe aapko gutter ka pani mile, wahan par aapko manhole band mile, kachra mile, bahut kuch mile, to aap kya infer karenge? You definitely will infer that this area is a backward area, or this area is a poor area, or poor people are living in this particular area. Or you will infer that this area is a very, you can say, it is deprived of many facilities. So this is something that you will derive, or this is something that you will understand from all these evidences. जो आपके सामने मौजूद होंगे कि आप उस area में दाखिल हुए, तो वहाँ पे अभी सड़कें जो है टूट फूट का शिकार है, गंदा पानी हर जगह मौजूद है, manholes overflow कर रहे हैं. So these things are drawing
bringing us the conclusion that this area belongs to either lower class or lower middle class, and poor people are living in this area. That's why you can see all these things. Similarly, if you go to an area where you'll find very big houses and, you know, wide streets and all such things, then you can infer that this area belongs to wealthy people or rich people. So ye aapko inference dega, evidence ka pata chalega ki you are living in that area which belongs to the rich people. So inferences are also critically important for literature. Literature ke liye bahut aham hai. When you study literature, so you need lots of time inferences. Otherwise, authors would have to explain everything to us out loud. How boring. अगर ये हमें हमारे पास inference ना हो तो author को हर चीज़ को explain करने की ज़रूरत पड़ जाए. तो inferences की वजह से क्या होता है कि we understand many things ourselves. Instead of saying Harry turned red and started yelling, the author would have to say Harry. और तो suspense भी create ना हो. फिर वो जो एक suspense create किया जाता है with the help of that suspense, the author wants to attract the attention of his reader. देखिए जब हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, तो बाद में कहता हूँ हम थोड़ा सा उसमें सस्पेंस क्रिएट करते हैं, सो दैट आर रीडर और आर लिसनर कैन अंडरस्टैंड और कैन पे अटेंशन टू इट. हर चीज़ अगर हम डायरेक्टली बोल देंगे तो फिर उसमें वो चीज़ नहीं रहती, वो उसमें जान नहीं रहती. अब हैरी टर्न रेड एंड स्टार्टेड येलिंग, ठीक है, और काशिफ टर्न रेड एंड स्टार्टेड येलिंग. अगर हम ये बात कह दें, मिसाल के तौर पर ये हमने कह दिया कि जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल में आपके पास काशिफ थी, काशिफ का था, काशिफ टर्न रेड एंड स्टार्टेड येलिंग, ठीक है. अब ऑथर अगर इसको कहना चाहे तो वो यूं ही कह सकता था कि काशिफ फेल्ट एंग्री. वो क्या कह सकता था? काशिफ फेल्ट एंग्री. तो उसने उसको इस जुमले को उसने क्या कहा? काशिफ टर्न रेड एंड स्टार्टेड येलिंग. सो दिस इज हाउ ही इज ट्राइंग टू टेल अस दैट काशिफ फेल्ट एंग्री. उसका मतलब ये, अब गुस्सा करने के तरीके होते हैं, गुस्से कोई इस तरह से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो चीज़ों को थोड़ा फोड़ शुरू करता है. कुछ होते हैं जो अल्फाजों के जरिए अपने गुस्से का इजहार करते हैं. देर आर डिफरेंट वेज होता है. बेसिकली दे आर फीलिंग एंग्री बट देर शो देर एंगर इन डिफरेंट वेज. तो जो वेज है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं सुनने में भी और पढ़ने में भी, रादर देन देर फीलिंग. देट वुड बी मच मोर ड्राई एंड लेस फन टू रीड. So authors make their books compelling by giving you clues and rich details. तो author क्या करते हैं, इसको compelling बनाते हैं, बहुत interesting बनाते हैं अपने books को. क्यों? By giving you clues, वो आपको clues देते हैं और आपको details देते हैं. Then letting you draw your conclusion as a reader. और फिर आप लोगों से कहते हैं कि अब आप अपना conclusion जो है वो draw करें कि आपको क्या समझ में आया. Even if the conclusions are pretty obvious, it is more fun as a reader if you get to make the inference for yourself. और अगर मिसाल के तौर पर कंक्लूजन जो है बिल्कुल क्लियर भी हो, फिर भी जब आप खुद निकालेंगे वो जो आप कंक्लूजन, सो दैट इज बेटर एंड दैट इज मोर इंटरेस्टिंग देन इफ यू गेट थिंग्स सिंपली. इन्फ्रेंसेस आर आल्सो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर्गुमेंट्स. आर्गुमेंट्स के जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है, अहम चीज़ें जो है वो उसमें भी इन्फ्रेंस का बहुत अहम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर. सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन फॉर्मल एसेज. फॉर्मल एसेज में भी ये बहुत अहम है. इन फॉर्मल एसेज यू वॉन्ट टू बी मोर क्लियर एंड डायरेक्ट देन यू वुड बी इन फिक्शन. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट द कंक्लूजन स्पेसिफिकली. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टेट और टू मैंशन द कंक्लूजन स्पेसिफिकली, बट डेफिनेटली वी हैव टू मे टू कम इन विद एविडेंस टू बैक दोज कंक्लूजन अप. सो द रिलेशनशिप बिटवीन एविडेंस एंड कंक्लूजन इज ऑलवेज सम काइंड ऑफ इन्फरेंस. जो दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होता है एविडेंस और कंक्लूजन के दरमियान, वो क्या है, वो इन्फ्रेंस का होता है. सो टू मेक अ गुड आर्गुमेंट, यू नो, इफ यू वांट टू मेक अ गुड आर्गुमेंट, वी हैव टू मेक श्योर दैट द इन्फ्रेंसेस आर गुड वंस. अगर हम आर्गुमेंट्स भी अच्छा लिखना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, सो वी हैव टू मेक इट श्योर, हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना होगा दैट द इन्फ्रेंसेस आर गुड वंस. इन्फ्रेंसेस जो है हमने जो निकाले हैं वो अच्छे होने चाहिए. Let's have some examples of inferences in literature. Literature में कुछ उनकी हम examples देख लेते हैं जल्दी से. I think therefore I am, ये एक example है जो मिली मुझे. This might be the most famous inference in the history of philosophy. It's pretty sound logically, but in fact contains a hidden assumption. Assumption. The hidden assumption is all thinking things are. So to write the quote is a syllogism, we would have to make it I think and all thinking things. So therefore I am
ये एक क्या आई थिंक देयर फॉर आई एम, ये एक आपके पास जो है इन्फ्रेंस है, ये मोबिडिक, आई डोंट नो वेदर यू हैव रेड मोबिडिक और नॉट, मोबिडिक एक नॉवेल है, तो उसमें इन्फ्रेंस जो है वो आपके पास है. व्हेनेवर आई फाइंड माय सेल्फ ग्रोइंग ग्रीम अबाउट द माउथ, व्हेनेवर इट इज अ डैम नवंबर इन माय सोल, whenever I find myself involuntarily pausing before coffin warehouses and bringing up the rear of every funeral I meet, then I count it high time to get to see as soon as I can. आप में से किसी ने मोबी डिक पढ़ी है? मोबी डिक नॉवेल. मोबी डिक इट्स अबाउट अहाब एंड अ वेल. No one has read. चले कोई बात नहीं. तो उसमें ये quote है in the very beginning of Moby Dick novel. उसमें जो narrator है वो describe करता है the reason, his reasons for going out on the sea. क्यों वो समंदर में समंदरी सफर के लिए जाता है. And that will bring him in contact with the Ahab. और उस समंदरी सफर के वो की वजह से वो Ahab के Ahab से मिलता है. और एक whale है जिसने जिसको मारने के लिए Ahab निकलता है. From the words of this passage, we can infer. In words से हमें अंदाज़ा होता है, हम infer कर सकते हैं चंद एक चीज़ें. The narrator has a tendency to get depressed. ये जो अल्फाज ऐसे चीज़ का अंदाज़ा होता है कि वो जो narrator है वो depression की बात ज़्यादा है, depressed होता है. जैसे देखा ना grim about the mouth. And to that, for whatever reason, he finds it helpful to be on the water. और वो थोड़ा सा पानी यानी कि समंदर में जब जाता है relax feel करता है वो. So from this, अभी आपको इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा. Why? Because you have not read this novel yet. When you read this novel, you will understand what kind of thing you can infer here. फिर कुछ cultures हैं, cultures के अंदर भी आपको inference का इस्तेमाल जो है वो ठीक है. So this is inferences. कुछ आपको related terms से मिलेंगे जो inferences बहुत करीब तरीन होते हैं, जैसे assumption हो गया. People sometimes confuse the words infer and assume. So, but assuming is what we do when we do not have any evidence. अगर आपके पास कोई evidence नहीं है, remember, assuming is what we do when we do not have any evidence. जब हमारे पास कोई evidence नहीं होता, so we do what? We assume. And it's beyond, we have already come to ahead of assumptions are related to inferences because a general assumption helps us draw conclusion. So thoda sa isme barik se ekbar ke assumption aur inference mein. Yes, any question? Yes, this is what we have about inference. Ab isme ek topic hamare paas aur bhi hai niche, but we will discuss inshallah that topic in the next class. If you have any questions, okay. You can ask me, please. Yeah. Waiting for your questions, please. Yes, come on. If you have any question regarding laga to maza ek ma yes to mai kitne shine china eta kacha ni koi to kacha jaan. You have only 5 minutes. If you have any question, you can ask me, please. After this, we'll talk about hyperbole.
and of course we'll talk about plagiarism. So if you have any question, you can ask me right now regarding inference only. No question. So then we will meet inshallah after 5 to 8 minutes, right?